कैसी तबीयत है अपूर? कैसा हो सकता हूँ आपकी सच्चाई जानने के बाद? कोई भी लड़की या औरत किसी से मिलते ही उसे अपनी पिछली जिंदगी की बातें बताना शुरू नहीं कर देती है। अपूर्व की माँ होने के नाते मैं यही कहना चाहूंगी कि तुम उससे फिर कभी मत मिलना। मैं अमृता इंद्रजीत अरोड़ा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँ। समझाओ विशाल भाई, समझाओ उसको, वरना कोई ना कोई किसी दिन ठोक देगा। मंगत भाई गलत बात नहीं। ओ मेरे दिल के चैन। ये सब क्या है विशाल? अब तुम्हें गायक अच्छे लगते हैं तो मैं हर बार गाते हुए ही अंदर आता हूँ। अच्छा चलो चलो अंदर चलो। फिर से तुम भिखारी की तरह चलो चलो अंदर चलो। नहीं शुक्रिया अमृता। मेरे पास कुछ बिल्डर्स आए थे और कुछ बिल्डर्स ने मुझे फोन भी किया। वो मुझसे पूछ रहे थे या आपने किस कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भेजा है, ये तो सबका धंधा ही बंद करवाएगी। विशाल प्लान्स फॉल्टी होते हैं। मैंने दो एक साइट्स का इंस्पेक्शन भी करवाया, सीमेंट कम और रेत ज्यादा होती है। कल को अगर ऐसी इमारतें गिर जाएंगी तो दोष किस पर आएगा? तो मुझे एक बात बताओ, बेचारे भोले भाले गरीब लोग अपने जिंदगी भर की जमा पूंजी एक फ्लैट को खरीदने में लगा देते हैं, क्यों? क्यों वो अपनी जान को जोखिम में डालें ऐसे फ्लैट्स को खरीदकर? विशाल ऐसी इमारतें किसी भी वक्त गिर सकती हैं। और तो और कितने बिल्डर्स ऐसे हैं जो लोगों का पैसा लेकर उन्हें फ्लैट देने का दावा करते हैं लेकिन देते नहीं है। कहते हैं कि 1.5 साल में आपको आपका फ्लैट मिल जाएगा लेकिन 5 साल होने के बावजूद भी लोगों को उनके घर नहीं मिलते हैं। तो तुम चाहते क्या हो कि ऐसे बिल्डर्स इनका प्लान बैन ना हो, इनके प्लान्स में अप्रूव कर दो ताकि ये लोगों को चूना लगाए और उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी पर बैठे रहे? अमृता अमृता, हर लड़ाई सच के बलबूते पर नहीं लड़ी जा सकती, नहीं जीती जा सकती है। क्या तुम मुझे ऐसे गलत और करप्ट लोगों का साथ देने की सलाह दे रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें कोई बीच का रास्ता ढूंढने की सलाह दे रहा हूं ताकि लोगों का काम धंधा भी चलता रहे और सारे कानूनों का पालन भी हो। विशाल तुम उनकी तरफ हो या फिर मेरी तरफ? अब ये कैसा सवाल है अमृता? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी तरफ हूं, मगर तुम इस लॉबी को जानती नहीं हो। कल को तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, गोली चल सकती है। यू आर मूविंग टू फास्ट। मैं तुम्हें समझाने आया हूं। क्या तुम ऐसे लोगों की तरफ से मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? अगर मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे सर पे चढ़कर बैठो, समझे? तुम मुझे तुम्हारी जान की फिक्र हुई तो मैं तुम्हें समझाने आ गया हूं। क्या अब यह हक भी अपूर्वा का हो चुका है? मैंने तुम्हारे प्यार का जवाब प्यार से नहीं दिया ना, यही बात चुभ रही होगी तुम्हें। यहां बात सिर्फ बिल्डर्स और कॉरपोरेशन की नहीं है। बेकार की बात मत करो अमृता, मुझे कोई जलन नहीं है तुम्हारे और अपूर्वा के रिश्ते से। एक दुनिया में तुम ही नहीं हो। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि विशाल को तो रिश्ते रखने का शौक है, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना। अमृता मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी मुसीबत में पड़ो। बाकी तुम्हें जो समझना है that's your choice। वैसे एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए, मेरी और अपूर्व की दोस्ती अब खत्म हो चुकी है। अगर ये बात तुम्हें परेशान कर रही थी ना, तो परेशान होना बंद कर दो। अमृता मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, फिर चाहे वो जिसके साथ हो। और अगर तुम ऐसे ही चलती रहीं तो चाहे अपूर्वा हो चाहे मैं हूँ,
तुम सारे दोस्तों को खो दोगी। वैसे भी मुझे अब अकेले जीने की आदत हो गई है, मुझे डर नहीं लगता अकेलेपन से। फिर चाहे वो अपूर्व की दोस्ती टूटे या फिर तुम्हारी, मैं वही करूंगी जो कानूनन सही है। मैं गैर कानूनी काम बिल्कुल नहीं करूंगी। अमृता जी, मैं अपनी माँ के किए पे आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी। अपूर्व, प्लीज, तुम्हें इस तरह से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके। तो क्या आप कुछ देर के लिए मेरे घर आएंगी? आई एम सॉरी अपूर्व, मैं नहीं आ पाऊंगी। हाय अपूर्व, कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? अब मैं ठीक हूं अमृता जी। इनसे मिलो, ये है राहुल और ये सिमरन। अरे, इन्हें तो मैंने उस दिन पार्क में खेलते देखा था जब आप मिसेस शर्मा के साथ बैठी थी। तो तुम इन्हें देख चुके हो? जी हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि ये मिसेस शर्मा के बच्चे हैं। नहीं नहीं, उनकी तो सिर्फ एक ही बेटी है, कविता। ओह, तो तुम्हारी माँ अब भी तुम्हारा ख्याल रख रही है या फिर घर चली गई? नहीं अमृता जी, मैंने उन्हें घर भेज दिया। अमृता जी, मैं अपनी माँ के किए पे आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी। अपूर्व, प्लीज, तुम्हें इस तरह से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके। तो क्या आप कुछ देर के लिए मेरे घर आएंगी? आई एम सॉरी अपूर्व, मैं नहीं आ पाऊंगी। एक आखिरी बार अमिता जी, देखिए, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो मैं यहाँ कह नहीं पाऊंगा। आप चाहे तो मिसेस शर्मा को साथ ले आइए ना। मिसेस शर्मा वो अभी आएंगी, लेकिन बच्चों को अपने साथ घर ले जाएंगी। बच्चों की छुट्टियां चल रही है ना, तो बच्चे छुट्टियां उनके घर पे बिताना पसंद करते हैं। तब तो आप मेरे घर जरूर रहेगा, एक आखिरी बार ही सही। अपूर्व, तुम्हारी माँ ने मुझे तुमसे मिलने से मना किया था। अमृता जी, अना ये जिंदगी हमें हमारे माँ बाप ने दी है, मगर हमारा भी तो कुछ हक है ना अपनी जिंदगी पे। मेरे दिल पे एक बोझ है, आप आ जाएंगी तो वो भी हल्का हो जाएगा। ठीक है, मैं आऊंगी, पर एक रिक्वेस्ट है, तुम्हें जो कुछ भी कहना हो प्लीज झट से कह देना। दरअसल आजकल ऑफिस से फाइल्स घर पर लेकर आ जाती हूँ, उन्हें स्टडी करती हूँ घर पर ही, मैं ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी। ठीक है,
मैं आपको रोकूंगा नहीं। मैं जानता हूं कि आप कॉर्पोरेटर बन गई हैं और आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। ठीक है, मैं आऊंगी। चलो। बोलना। अजी तुम बोलो। अपने पास तुम बोलोगी। तुम्हारा काम है, तुम बोलो। बात यह है मैडम जी कि मैडम जी आप मुझे मैडम जी बुला रहे। मेरा नाम अमृता है, मैडम जी नहीं है। मगर अब आप कॉर्पोरेटर हो। भाई साहब, औहदों से रिश्ते नहीं बदलते। बोलिए क्या कहना चाहते हैं। वो जी मेरा एक बिल्डर दोस्त है मिस्टर मेहता, वो जी आपसे मिलना चाहता है। जरूर मिले, इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो क्या है जी कि उसको अपनी बिल्डिंग का ना प्लान अप्रूव कराना है, और अब तो आप सारे कॉर्पोरेटर्स को अच्छी तरह जानती हो और ये काम आप उसका बड़ी आसानी से करवा सकती हो। देखिए भाई साहब, अगर उसके प्रोजेक्ट में मेरिट है तो हम उसका काम जरूर करेंगे। जी सिफारिश से उसका थोड़ा फायदा नहीं करवा सकते आप। यहाँ पर सिफारिश नहीं चलती है। अगर उसका प्रोजेक्ट जनता के हित में है तो आप ही बताइए सिफारिश की क्या जरूरत है। मैं ना कहती थी अमृता कार्य कानून के हिसाब से ही चलेगी। ठीक है जी, तो जी मगर आप उनसे मिल जरूर लीजिएगा। वो क्या है कि मैं भी छोटा मोटा फाइनेंस करता हूँ उनको। ठीक है, जरूर मिलेंगे। बस जी, अब और कुछ नहीं चाहिए मैडम जी। मेरा मतलब है अमृता जी। ओ जी आपने देखा होगा कि मैंने अब आपको जोक सुनाने बंद कर दिए हैं, क्योंकि अब आप कॉर्पोरेटर हो। ये तो सरासर नाइंसाफी है। एक बात तो मुझे समझ में आ गई है, अगर मुझे इनके जोक से बचना है ना तो मुझे भी किसी ऊंचे ओहदे पे पहुंचना होगा। अब से सारे जोक्स पी जाऊंगा मगर तुझे एक भी नहीं सुनाऊंगा। फिर तो विश्व में शांति ही शांति होगी। वाह। गलती तो मुझसे हुई है कि मैं अपने रोमांस के भाव में बह गया था, मगर अब जब हमारे बीच में सब कुछ खत्म होने वाला है तो मैं आपको एक बात सच सच बताना चाहता हूं। मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूं। अपूर्व देखो, तुम्हें जो कुछ भी कहना है जल्दी जल्दी कहो। अब मुझे यहाँ ज्यादा देर रुकने से डर लगता है। क्यों? अगर अचानक से तुम्हारे मम्मी और डैडी आ गए तो मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। ऐसा क्यों सोच रही हैं अमृता जी? अपूर्व तुम कहो, आज मैं सिर्फ तुम्हारी सुनने आई हूँ। देखिए पहले तो मैं अपने माँ के किए की माफी आपसे मांग चुका हूँ। कैसी माफी अपूर्व? अगर उनकी जगह मैं भी होती तो शायद से मैं भी वही करती। गलती इसमें उनकी नहीं तुम्हारी है, क्योंकि तुमने बिना सोचे समझे मुझे उस दिन अपने घर पे डिनर पर इनवाइट किया
और मुझे अपने पेरेंट्स से मिल पाए। अपूर्व, तुम्हारे मम्मी डैडी उस वक्त मेरे बारे में न जाने क्या क्या सोच रहे होंगे। हम इंडिया में रहते हैं और हमारे यहाँ पर कोई भी लड़का किसी भी लड़की को अपने पेरेंट्स से इतना कैजुअली नहीं मिलवाता है। और फिर माँ बाप भी एक ही बात समझते हैं। गलती तो मुझसे हुई है कि मैं अपने रोमांस के भाव में बह गया था, मगर अब जब हमारे बीच में सब कुछ खत्म होने वाला है तो मैं आपको एक बात सच सच बताना चाहता हूं कि मुझे न जाने कब से और कैसे आपसे प्यार हो गया, मगर प्यार हो गया। अपूर्व, मैं चौक जरूर गया था उस दिन जब मुझे मालूम पड़ा कि आपकी शादी हो चुकी है, आपके दो बच्चे भी हैं। लेकिन उस लम्हे, उस पल के बाद अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जब आज मैं आपसे शाम को मिला था ना, तो मेरा दिल किया कि मैं आपके बच्चों को गोद में उठाऊं, उनके साथ खेलूं। यू नो, जब आपको किसी से प्यार होता है ना, तो उससे जुड़ी हुई हर चीज से आपको प्यार हो जाता है। मैं वैसा प्यार नहीं कर सकता जैसा दुनिया करती है। मैं टुकड़ों में प्यार कर ही नहीं सकता कि मुझे आपका ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, ऐसा कर ही नहीं सकता मैं। जब सच्चा प्यार होता है ना, तो गलतियां भी खूबसूरत लगने लगती हैं और बुराइयां भी अच्छाइयां लगने लगती हैं। बहुत ही खूबसूरत दिल है तुम्हारा अपूर्व। बड़ी किस्मत वाली होगी वो लड़की जो तुम्हें पाएगी। एक बात पूछूं आपसे? क्या? क्या आप यूं ही जिंदगी भर अपने पति का इंतजार करती रहेंगी? जिस तरह से प्यार की कोई सीमाएं नहीं होती, उसी तरह से इंतजार की भी कोई सीमा नहीं होती। इसलिए अपूर्व, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ। मगर आज के बाद मेरा तुमसे मिलना मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन दूर से तो देख सकता हूं ना आपको। हाँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो एक आखिरी बार मुझे मिलने जरूर आइएगा। अपूर्व, इस तरह की बातें और ख्याल सिर्फ शायरी में ही अच्छे लगते हैं, असल जिंदगी में नहीं। अमृता जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब मेरी जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं। रिश्ता मरे या इंसान, महसूस तो वैसा ही होता है ना। जब संजना मुझे छोड़कर गई थी ना, तब भी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था जैसा आज हो रहा है। जब इंद्रजीत लापता हुए थे, तब कुछ दिनों तक मुझे भी ऐसा महसूस हुआ था। मगर आपके साथ आपके बच्चे तो थे ना, जो आपके जीने का मकसद बन गए। मगर मेरे पास तो कोई भी नहीं, और अब ना ही मुझे किसी के लौटने का इंतजार है। संजना लौटेगी नहीं, मैं जानता हूं। मकसद तो भगवान है जिसने ये खूबसूरत दुनिया बनाई है। मैंने कहा था ना कि आप एक पुजारन लगती हैं। पूजा में ही सुकून है। मेरा प्यार ही मेरी पूजा है। इतना बेशरम हो गया हूं कि जो बात पहले दिल में रहती थी, अब वो जुबान पे आ गई है। मैं आपको प्यार करना छोड़ नहीं सकता। अपूर्व, तुम्हारे दिल पर मेरा जोर नहीं है। तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। ठीक है अमृता जी, तो आप इंद्रजीत का इंतजार करिए और मैं आपका करूंगा।
ये लीजिए, इसमें सिमरन और राहुल के कपड़े। मिनी जी, आर यू श्योर सिमरन और राहुल आपको महाबलेश्वर में तंग तो नहीं करेंगे ना? ऑफ कोर्स नॉट। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम राहुल और सिमरन के बिना महाबलेश्वर चले जाएं। और तुमने ही कहा था ना कि बच्चों के अब दो दो माँ हैं। जैसे कविता को डांटती हूँ वैसे मैं इन बच्चों को भी डांट दूंगी अगर तंग किया तो। अच्छा जी, मैं सूटकेस गाड़ी में रख के आता हूँ जी। क्या बात है भाई साहब, आज आपने मैडम जी नहीं कहा? जी आप भी ना मजाक करते हो। वैसे जो मेरा बिल्डर दोस्त है मिस्टर मेहता, उससे आप जरूर मिल लेना मैडम जी। ठीक है, फिर रख जा और बच्चों को लेके आओ जी। तुझे आया बच्चों। राहुल, तुम दोनों मामा को मिस करोगे। हाँ। और अंकल और आंटी को बिल्कुल मत तंग करना। ओके चलो चलो, आप देर हो रही है। चलो चलो बच्चे, चलो बच्चे, बाय बच्चों, एंजॉय। बाय बाय बाय। पागल हो जाओगे ऐसे दूर से देखते देखते। आपको करीब से देखकर और पागल हो जाता हूँ। अपूर्व, जो चीज हमें जिंदगी में आसानी से नहीं मिलती वो हमें सोना लगने लगती है, और जो आसानी से मिल जाती है वो मिट्टी। अमृता जी, आप ना ही मेरे लिए मिट्टी हैं और ना ही सोना। अगर मेरा बस चले ना तो मैं आपको संगे मरमर पे भी पैर न रखने दूँ।